अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल चाल है? सबका ठीक ठाक है, खैरियत से फिर पाटे। तो भाई काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से वीडियो बनाने के लिए आया हूँ ऊपर, और वीडियो भी आज की यार मुख्तसर सी होगी, बहुत थोड़ी सी शॉर्ट होगा, क्योंकि ना थोड़ा सा मसला था जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया था, और अभी आगे भी मुझे लगता है कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। थोड़ा सा यार यूट्यूब की तरफ से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यार यूट्यूब के ऊपर मुझे थोड़ी सी ना मुश्किल पेश आ रही थी, जिसकी वजह से मैं जो है ना वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो बाकी यह है कि मैंने कहा यार आप लोगों को ज़रा एक दफ़ा एक नज़र दिखा दूँ कि क्या सूरत हाल है सेटअप की। तो माशाल्लाह सब सेट है, इंडे शंडे भी आ रहे हैं और सारे ठीक हैं, कोई बीमार नहीं है। बस थोड़ी सी यार यूट्यूब के ऊपर ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, और वो प्रॉब्लम अभी भी है, अभी ठीक नहीं हुआ वो सारा सर्कल। उसमें यह है कि अभी जो है ना 12 दिन लगेंगे तकरीबन, उसके बाद जाके जो है ना फिर मेरा यूट्यूब चैनल सही होगा। तो बस ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने को, मैं आया भी नहीं था पर वीडियो बनाने के लिए। तो बस इस वजह से जो है ना वीडियो नहीं आई थी अभी, आज भी जो है ना बड़ी मुख्तसर से मैंने वीडियो बनानी है। और बाकी यही है कि इंशाल्लाह दुआ करें कि यार ये काम जल्द से हो जाए। और बाकी ये है कि यूट्यूब चैनल के लिए मेरे जो है ना थोड़ी सी मुश्किल है, ये काम हो जाएगा तो माशाल्लाह आसानी हो जाएगी काफ़ी मेरे यूट्यूब के लिए, ताकि आगे बढ़ सके। ये आगे भी नहीं बढ़ रहा चैनल, इसकी वजह से जो है ना मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। तो खैर इंशाल्लाह दुआ करें कि जो भी काम है वो अच्छे तरीके से जो है ना ठीक ठाक कम वक्त में हो जाए, तो मेरे लिए भी बेहतर है और उन सब के लिए भी, क्योंकि मैंने यार वीडियो बनानी होती है मुझे ना, मैं इतने दिनों से बोर था कि वीडियो नहीं बनाता। बीच में मैंने 7 दिन बाद जाके जो है ना एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें भी यह है कि मुझे जो है ना मज़ा नहीं खास आया नहीं, क्योंकि रोज़ वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बस छोटा सा मसला है जिस वजह से मैं वीडियो बाकी में नहीं बना पा रहा। तो बाकी ये कि अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, एक नज़र मार देता हूँ, एक नज़र आप लोगों को दिखाता हूँ सारे सेटअप को, तो क्या सूरत हाल है इन सब की। तो ये मेरी माशाल्लाह चूज़े सारे ठीक हैं यार, तीनों के तीनों ही ठीक हैं, और माशाल्लाह नीचे मुर्गी हैं उस वो भी ठीक हैं तीनों की तीनों। और अभी जो है ना मैं अभी एक अंडा भी आया इस मुर्गी ने दिया, उससे पहले जो है ना इस मुर्गी ने दिया था वो मैंने उठा दिया अंडा, पहले सुबह ही दिया था, और अभी अभी इसमें एक दिया है नीचे रख के आया, तो मैंने कहा मैं ऊपर जा जो है ना ज़रा वीडियो बना देता हूँ। बाकी माशाल्लाह ये भी ठीक है, ये भी सेट हैं, दाना पानी का मतलब खा पी सही रहे हैं, लेकिन अंडे वंडे कोई नहीं दे रहे, पता नहीं क्या मसला हो गया भाई, अंडे क्यों नहीं दे रही हो, अंडे दो। तो खैर अभी इनके मैंने यार अंडे जमा किए हुए हैं, और इंशाल्लाह आज जो है ना मैं अंडे दे दूँगा रखवाने के लिए, तो उम्मीद तो है कि सारे निकलें, पिछली दफ़ा मेरे अंडे सारे ज़ाया हो गए थे। तो खैर बाकी ये कि ये सिर्फ ना आखिरी बैच है मेरा इन बैंटम का, जो अंडे मैंने आज देने हैं ना मेरा आज आखिरी बैच होगा, उसके बाद मैं फिर इनके चूज़े नहीं निकलवाऊंगा, मैंने सोच लिया है। इसके बाद मैं फिर नई ब्रीड लेकर आऊँगा, और इस तरह जो है ना नई नई से नई ब्रीड में इजाफा करेंगे इंशाल्लाह, जो मेरी सोच है और मेरे शौक भी है कि मैं नई से नई ब्रीड लाऊँ, और हर ब्रीड के मुर्गे जो है ना यार मेरे पास सेटअप के ऊपर मेरी छत के ऊपर हों। तो ये इनका आखिरी बैच होगा जो अंडे मैं दे रहा हूँ, और तकरीबन 12 अंडे हैं मेरे पास, 12 से 13 अंडे हैं जो मैंने देने हैं, और वो आखिरी बैच है इंशाल्लाह 12 के 12 चूज़े निकलें, तो मेरे तो लिए खुशी की बात होगी। तो खैर नीचे देसी हैं, देसी अंडा भी नहीं देना शुरू किया, दे रही है लेकिन बड़ा कम दे रही है, तो इसके जो अंडे जो है ना हम खा रहे हैं अभी तो, लेकिन इसका मैंने एक अंडा रखा है, एक मुर्गा जो है ना एक चूज़ा इसका चाहता हूँ कि मेरे पास आ जाए, वो मुर्गा आ जाए या मुर्गी आ जाए कोई भी आ जाए, वैसे तो मुर्गा है मेरे पास, तो बड़ा प्यारा किस्म का जो है ना मुर्गा आएगा इसी तरह का, तो मुझे जो है ना ये मुर्गा वैसे बहुत पसंद है, तो इसका जो है ना मैं चाह रहा हूँ कि यार एक आधा चूज़ा मेरे पास आ जाए, एक मुर्गा ही आ जाए यार बेहतर है, और मुर्गी ना भी आए, मुर्गी के जो यार मैं सोचा कि ना देसी मुर्गियाँ लेकर आएँ, ताकि यार अंडे तो आए, अंडे तो कोई आ नहीं रहे, ये भी अंडे जो है अपने हिसाब से दे रही है, अंडे कभी दे रही है कभी नहीं दे रही, चलिए अंडे दे नहीं रही, ये अंडे दे रही हैं, लेकिन इनके अंडे इतने पीदू से हैं, पीदू से के खाने का फ़ायदा नहीं है, खा तो लेते हैं यार, फ़ायदा ना फ़ायदे वाली बात मैं कह दूँ कि नहीं करो, खाते तो हमें फ़ायदा तो होता है, मतलब कि अंडे आते हैं हम खाते भी हैं, तो फिर बुरा क्यों कहें इनको। बाकी ऊपर इनके भी यार अंडा आता है, इनका भी ये तरफ से जो है ना अंडा आता है, तो इसकी तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। बाकी गर्मी हुई है आप देख लें किस तरह से मुंह खुला हुआ है इन्होंने, अभी मैंने पीछे शीट का काम नहीं किया तो वो जल्द कर लूँगा, शीट का काम करना है तो वो थोड़ा सा रह गया, पीछे जो है ना चादर लगानी है जिसकी वजह से गर्मी थोड़ी सी रुक जाएगी, और इस पिंजरे के ऊपर जो है ना शेड का मसला है, इसको भी जो है ना मैंने शेड लगाना है, ये शेड ठीक है धूप से बचा लेते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन इस पिंजरे के ऊपर जो है ना
इस पिंजरे के ऊपर यार शेड नहीं है बिल्कुल भी, शेड लगाना है इस पिंजरे के ऊपर। तो उम्मीद तो है कि यार शेड जल्द से जल्द मैं बंदोबस्त कर लूँगा इसका, वो भी आ जाएगा। और इसने आज अंडा नहीं दिया, नहीं दिया इसने भी, खैर अंडा नहीं दिया इसने भी नहीं दिया है, इन्होंने भी दिया, इसने भी नहीं दिया, इसने भी नहीं दिया है। तो चूज़े हैं, चूज़ों के बारे में आप लोगों को एक छोटी सी अपडेट देता हूँ कि चूज़े जो है ना मेरे पास चंद दिनों के मेहमान हैं अब, और ये जाने लगे हैं। किधर जा रहे हैं वो मैं जब चले जाएंगे तब आप लोगों को बताऊँगा। तो खैर चंद दिनों के मेहमान हैं, इसी वजह से जो है ना मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास उसके चूज़े आ जाएँ। और तो खैर मेरे से यार किसी ने मांगे थे तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं दे देते हैं, वो भी शौकीन है, शौक़ रखते हैं इस चीज़ का, तो उनको भी दे देते हैं, कोई मसला नहीं। आज हैं कल नहीं है, मेरे पास और आ जाएंगे, मेरे तो चूज़े निकलवाने ही हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं उनको दे देता हूँ। फिर ये है कि नेक्स्ट जब मैं चूज़े निकलवाऊँगा अगर तो मुझे इनमें से कोई एक आधा मुर्गा मुर्गी चाहिए होगी, इनमें से कोई एक आधी मुर्गी चाहिए होगी तो मैं रख लूँगा। कबूतर के आने से यार इतना डर जाते हैं ये, इधर एक कबूतर आया था और ये जो है ना फुल बहुत ही डर पा, हल्का सा शॉपर भी नीचे गिर जाए ना। मैं बोले आप उनको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, ये है मेरे पास जी गत्ता, अभी मैं इसको फेंकूँगा। सारे जो है ना फोकस हो जाते हैं कि भाई क्या चीज़ आ गई है। अभी तो खैर इतना बड़ा रिएक्शन नहीं मिला, वरना जिस तरह से मुझे जो है ना सुनने को मिलते हैं इनकी बातें। नेक्स्ट आ जाते हैं यार इस मुर्गे के ऊपर, इसको भी आपको दिखा देते हैं। यार ये माशाल्लाह ठीक है, और इसके पर वगैरह भी निकल आए हैं माशाल्लाह, काफ़ी सेट है काफ़ी हद तक। बस इसको जो है ना अभी तक मैंने दवाई नहीं लगाई, टाइम नहीं मिला दवाई का, बहुत ही काम चोर शख्स हूँ। बाकी दाना पानी में इसका डाल दिया था, पानी भी इसका डाल दिया, पानी इसने गिरा दिया। अभी इसको बाहर नहीं खोला क्योंकि ना मैं अभी ऊपर हूँ नहीं, ये अभी काम है नीचे। तो सेहत वगैरह ठीक है यार माशाल्लाह इसकी, दाना पानी इसका कर रहा है। इसके लिए भी जो है ना यार मुर्गी लानी थी, लेकिन मसला ये है कि इसके लिए मुर्गी नहीं आ सकी। तो मैंने क्या सोचा कि यार इसकी मुर्गी तो मैं यहाँ पे ला नहीं सकता, मेरे पास यार जगह की कमी है, तो जब जगह बन जाएगी तो फिर मैं इसको वापस ले आऊँगा। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको, इस मुर्गे को जो है ना मैं अपने किसी कज़न को दे रहा हूँ, सोचा तो मैंने यही है कि मैं किसी को दे देता हूँ, तो वहाँ से जो है ना कि वो अपनी मुर्गी के साथ इसको लगा लेंगे, फिर इसमें चूज़े आएंगे ना, फिर वो जान रखेंगे, फिर इस मुर्गे को वापस ले आएंगे। अभी मैंने सोचा कि यार इस मुर्गे को मैं दे देता हूँ, तो खैर दोस्त से लिया था मैंने, लेकिन तीसरे अभी ये जो है ना तीसरे घर जा रहे हैं, अब दोस्तों नहीं देखना। तो खैर उसके बाद बाकी पहले ही मुर्गे काफ़ी थे, तो इस वजह से जो है ना मैं इसको कहीं और दे रहा हूँ। तो अब ये है कि इसके सोचा तो मैंने आया कि यार मैं इसको दे दूँ ताकि जो है ना इसके साथ मुर्गी लगे और इसके चूज़े आएँ, अंडे भी आएँ, क्योंकि अभी मेरे पास जगह नहीं है, जगह की ये सब ज़रूरत है और जगह की कमी है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है लेकिन मुर्गियाँ रखने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। तो उसके लिए ये कि ईद आ जाएगी आगे आगे, ईदी सीधी मिलेगी, कोई सेटअप शूटअप बनेगा, कोई साफ टाप लगेगा, क्योंकि तो मैंने पूरा दिमाग में माइंड में सोचा होगा कि यार इतनी की इतनी ईदी मिल जाएगी, इतनी ईदी मिलेगी और इतने इतने ईदी का मैंने क्या करना। तो खैर अभी ईदी मिलेगी तो फिर आगे जो है ना देखते हैं कि क्या करते हैं। तो खैर ये सारा सीन है आज का, मैं इधर ही वीडियो को जो है ना एंड करता हूँ और मैं जा रहा हूँ नीचे। तो खैर ये वीडियो यार इंशाल्लाह मैं चढ़ा दूँगा कल तक। तो खैर दुआ करेंगे जो मेरा YouTube का जो मसला पेश आ रहा है, YouTube की तरफ से कोई मसला नहीं है, मेरे चैनल के ऊपर एक छोटा सा कोई ना मसला है, तो जिस वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी है, जाहिर सी बात है। तो दुआ करें कि यार ये जो है मेरा मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज की वीडियो में मैं आपको बता दिया कि भाई क्या क्या चीज़ें मेरे पास से जा रही हैं, नहीं करो लड़ते रहते, क्या क्या मेरे पास से जा रही हैं, गर्मी बड़ी होगी है इस वजह से मैं अपने थोड़ा सा खाली कर रहा हूँ, थोड़ा सा सेटअप और बना लूँ तो फिर मैं वापस ले आऊँगा चीज़ों को। तो खैर उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो, आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर को भी कर दें यार, शेयर भी कर दें चैनल, शेयर भी कर दें। आप जैसे और भी कोई शौकीन होंगे यार वो भी देख लेंगे, उनका भी दिल लग जाएगा, और हम क्या चाहते हैं किसी का दिल लग जाए, और क्या चाहना है। ठीक है नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, मुझे दें इजाज़त, दुआ करें मेरे लिए और अपने लिए भी, रमज़ान का आखिरी महीना आखिरी दिन जा रहे हैं रमज़ान के, दुआ करें रमज़ान में, दुआ करेंगे इंशाल्लाह कबूल जल्दी होगी, मैं भी दुआ करता हूँ आप भी दुआ करें। ओके अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।